हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 24 ज्योग्राफी सीरीज का और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन या फिर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। ये जो क्लाइमेट होता है ये ब्रिटिश और साइबेरियन टाइप के बीच का क्लाइमेट होता है और इसके अंदर हमें मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल दोनों ही इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमें मिलता है सिर्फ दो रीजन्स में, एक नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के अंदर जिसमें कि ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और न्यू फाउंडलैंड के इलाके आते हैं, इसको हम नॉर्थ अमेरिकन रीजन भी कह सकते हैं। और जो दूसरा रीजन है वो मिलता है ईस्टर्न पार्ट में एशिया के, इसके अंदर आते हैं ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, कोरिया और नॉर्दर्न जापान, और इस रीजन को हम एशियाटिक रीजन कह सकते हैं। तो हमारे दो रीजन है, एक नॉर्थ अमेरिकन रीजन और एक एशियाटिक रीजन। सदर्न हेमिस्फीयर में हमें ये क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता और उसका कारण हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स जो है वो इतने चौड़े नहीं होते, इसलिए मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है और क्लाइमेट जो है वो इक्वेबल ही रहता है। कॉन्टिनेंटैलिटी का असर यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलता, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं मिलता। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। जो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इसके अंदर कोल्ड ड्राई विंटर्स होती हैं और वार्म वेट समर्स होती हैं। जो विंटर का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है और काफी बर्फ भी गिरती है। समर जो होती हैं वो गर्म होती हैं, बिल्कुल ट्रॉपिक्स की तरह। और अगर ऑफशोर कोल्ड करंट्स ना होते यहाँ पे आर्कटिक से आने वाले, तो गर्मियां और भी ज्यादा गर्म होती। बारिश जो होती है वो पूरे साल ही होती है, पर समर में थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स आती हैं ओशियन से। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है 30 से 60 इंच की, उसमें से दो तिहाई तो समर में ही होती है। सर्दियां जो होती हैं वो सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं और ठंडी होती हैं, क्योंकि जो विंड्स होती हैं वो काफी सूखी बहती हैं यहाँ पे, क्योंकि जो वेस्टर्लीज आ रही हैं वो कॉन्टिनेंट के अंदर से आती हैं, समुद्र से नहीं आती, इसलिए सूखी हवाएं ही बहती हैं। अब नॉर्थ अमेरिकन रीजन और एशियाटिक रीजन को एक एक करके देखते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिकन रीजन की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बारिश जो है वो पूरे साल ही होती है, यूनिफॉर्म बारिश होती है, और समर में हल्की सी ज्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूयॉर्क में एनुअल 41 इंच की बारिश होती है और जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ऐसा कोई भी महीना नहीं है जो कि बिल्कुल ही सूखा हो जब बारिश ना हो रही हो। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी है बारिश की, ये ज्यादातर अटलांटिक के इन्फ्लुएंस के कारण होती है और ग्रेट लेक्स के कारण होती है। ग्रेट लेक्स जो है वो बहुत बड़े लेक्स हैं जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। जो वेस्टर्लीज हैं वो रॉकीज से आते हुए ग्रेट लेक्स से ऊपर से मॉइस्चर उठाते हुए यहाँ बारिश कर देती हैं, और यहाँ ओशियनिक करंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा कि हमने ओशियनिक स्ट्रीम्स के चैप्टर में देखा था, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो कि एक वार्म स्ट्रीम है वो लैब्राडोर करंट से जाके मिलती है जो कि कोल्ड होता है, और ऐसा न्यू फाउंड लैंड के पास होता है, और इसके कारण बनती है मिस्ट और फॉग और प्रेसिपिटेशन भी बढ़ जाती है। और न्यू फाउंड लैंड के अंदर जो ड्रिजल्स होती हैं, जो हल्की बारिश होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। समर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है। न्यूयॉर्क के अंदर जो जुलाई का मीन टेम्परेचर है वो हमें 23 डिग्री सेल्सियस के अराउंड देखने को मिलता है, और ये 32 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है इन इलाकों। अब बात करते हैं एशियाटिक रीजन की। एशियाटिक रीजन के अंदर जो रेनफॉल का ट्रेंड है वो बिल्कुल ही अलग होता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन के मुकाबले। रेनफॉल जो है वो इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती, सर्दियों के अंदर बहुत कम बारिश होती है और ज़्यादातर बारिश गर्मियों में ही देखने को मिलती है। बीजिंग या पैकिंग की अगर बात करें नॉर्दर्न चाइना के अंदर, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर से अप्रैल के अंदर यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, टोटल बारिश 2.1 इंच से कम होती है, और पूरे साल की जो बारिश है अराउंड 25 इंच की, ये उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। बाकी के 5 महीनों में जो है बाकी की बारिश होती है, जुलाई के अंदर तो 9.4 इंच की बारिश देखने को मिल जाती है। चाइना का जो अंदर का इलाका है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं जिस कारण यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर के कारण पैसिफिक ओशन से और सी ऑफ जापान से जो है साउथ ईस्ट मानसून विंड्स फ्लो करती हैं और यहाँ बारिश करती हैं। सर्दियों में यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। लॉरेंशियन क्लाइमेट को यहाँ पे कूल टेम्परेट मानसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। बीजिंग के अंदर जुलाई का जो मीन टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है और जनवरी का -4.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। विंटर की प्रेसिपिटेशन नॉर्दर्न चाइना, जापान और कोरिया में बर्फ की फॉर्म में ही होती है। जापान का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स जो हैं वो मिलते हैं,
और यहाँ पे जो बारिश है वो साउथ ईस्ट मानसून के कारण होती है गर्मियों में, और नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण होती है विंटर्स में। विंटर में आने वाले नॉर्थ वेस्ट मानसून जो हैं वो सूखी कोल्ड विंड्स होती हैं मेनलैंड एशिया की, बट जब वो सी को क्रॉस करती हैं, सी ऑफ जापान को, तो वो मॉइस्चर गेन कर लेती हैं और यहाँ पे बारिश करती हैं और स्नोफॉल भी होती है वेस्टर्न कोस्ट में जापान के। रेनफॉल जो है वो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है टोक्यो के अंदर। दो मैक्सिमा हमें देखने को मिलते हैं, एक जून के अंदर जिसे प्लम रेन कहते हैं, और दूसरी सितंबर के अंदर जिसे टाइफून रेन कहते हैं। जो विंडवर्ड स्लोप हैं जैपनीज एल्प्स की वेस्ट में, वहाँ पे कुछ स्टेशंस पे 102 इंच से भी ज़्यादा की बारिश होती है, और ज़्यादातर ये स्नो की फॉर्म में होती है। और यहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के कारण भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है। जो वार्म क्रोशियो करंट है उसके कारण जापान का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कम एक्सट्रीम रहता है। जब नॉर्थ से आने वाले कोल्ड ओयाशियो करंट से ये मिलता है तब फॉग और मिस्ट बनती है, और यहाँ पे भी न्यू फाउंडलैंड जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। फिशिंग जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ की जो मेन वेजिटेशन है वो है कूल टेम्परेट फॉरेस्ट। जो हैवी रेनफॉल है और वार्म समर्स हैं और डैम्प एयर है उसके कारण फॉग बनती है, और ये सभी जो है ये पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो ज़्यादातर कॉनिफेरस ही होते हैं। अब विंटर्स क्योंकि एक्सट्रीम होती है इसलिए ऐसे पेड़ जो कि कोल्ड कंडीशंस के लिए सूटेबल ना हो वो कम पाए जाते हैं। लम्बरिंग यहाँ पे भी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है, तो जो भी ओरिजिनल कॉनिफेरस फॉरेस्ट थे फर, स्प्रूस और लार्क वाले, वो तो पहले ही काटे जा चुके हैं लम्बरिंग के लिए। ईस्टर्न कैनेडा के अंदर जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसके पास कैनेडियन टिम्बर और वुड पल्प की इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर 50 डिग्री नॉर्थ से नीचे आए तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जगह हमें यहाँ डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओक, बीच, मेपल और बर्च जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। मॉइस्चर यहाँ पे भी अच्छा खासा होता है इसलिए फर्न्स जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं। यहाँ पे फूड और कैश क्रॉप्स दोनों ही उगाई जाती हैं। कनाडा के अंदर क्योंकि कॉनिफेरस सॉफ्टवुड ज्यादा पाई जाती है वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम डेसीडुअस हार्डवुड से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जैसा कि हमने पहले बात की, लम्बरिंग और उससे मिलते जुलते ऑक्यूपेशन जैसे टिम्बर, पेपर और पल्प इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि विंटर्स जो है वो काफी एक्सट्रीम होती है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस और बारिश के कारण कुछ क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे जरूर उगाई जाती है, जैसे कि पोटैटोस, ओट्स, बार्ले वगैरह। एशियाटिक रीजन के अंदर सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, टंग ऑयल और मलबरी भी उगाए जाते हैं। फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग, हे कल्टीवेशन और कुछ माइल्ड इलाकों के अंदर फ्रूट्स भी उगाते हैं। नोवा स्कॉशिया की एनापोलिस वैली जो है वो एप्पल्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। फिशिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है लॉरेंशियन क्लाइमेट की। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। न्यूफाउंडलैंड जो है वो दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स में आता है, और इसका कारण है इसकी ज्योग्राफी। फिश जो है वो छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिंदा रहती है जिन्हें की प्लैंकटन कहते हैं, और वो यहाँ पे काफी मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर जो है वो शैलो होता है और सनलाइट उसको पेनिट्रेट कर सकती है, तो प्लैंकटन जो है वो यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं उनकी स्लोप जो है वो जेंटल होती है, और ये 200 माइल तक देखने को मिल जाती है साउथ ईस्ट में न्यूफाउंडलैंड के। सभी तरह के फिश यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ना सिर्फ कनाडा या यूएसए में बल्कि नॉर्वे, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्तुगल, डेनमार्क, रशिया, जापान अपने फिशिंग फ्लीट्स यहाँ भेजते हैं फिशिंग करने के लिए। तो न्यूफाउंडलैंड के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग ही है। यहाँ पे पेलेगिक फिश जो कि सरफेस के पास रहती हैं और डिमर्सल फिश जो कि नीचे रहती हैं सी में, दोनों ही पकड़ी जाती हैं। जो मेन फिश है यहाँ पे जो पकड़ी जाती है वो है कॉड, जिसे अलग अलग तरीकों से कंज्यूम किया जाता है, जैसे ड्राइड, सॉल्टेड, स्मोक्ड, कैंट या फिर पैक, और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ और फिशेज जो यहाँ पे पकड़ी जाती हैं वो है हेडॉक, हेलीबर्ट, हेक, हेरिंग वगैरह। यहाँ पे अलग अलग फिशिंग क्राफ्ट और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉलर्स जो कि बड़े बड़े कोनिकल शेप्ड नेट्स को ड्रैग करते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रिफ्टर्स जो कि रेक्टेंगुलर नेट्स लेकर जाते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। इनमें रेडियो और रडार डिवाइसेस भी फिट की जाती हैं ताकि डेंस फॉग से बचा जा सके और कोलिजन से भी बचा जा सके आइसबर्ग्स वगैरह से। फ्रेश वाटर के अंदर भी यहाँ पे फिशिंग की जाती है, जैसे कि सेंट लॉरेंस और ग्रेट लेक्स के इलाकों में मिलता है, वहाँ पे सैल्मन, ट्राउट, ईल्स वगैरह को पकड़ा जाता है। न्यूफाउंडलैंड के अंदर अटलांटिक कोस्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और सेंट जॉन उनमें से एक है। फिशिंग यहाँ पे इतनी ज्यादा की जाती है कि ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। अगर जापान में फिशिंग की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में काफी ज्यादा फिशिंग होती है। यहाँ पे मीट वैसे ही कम पाया जाता है और जो इलाका है वो
माउंटेनियस होता है, पहाड़ी होता है, इसलिए प्रोटीन के सोर्स के लिए यहाँ पे फिशिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सीवीड कल्टीवेशन भी की जाती है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहाँ पे पर्ल कल्चर, जिसमें डाइवर्स जो हैं वो पानी के अंदर जाकर पर्ल ओइस्टर्स इकट्ठे करके लाते हैं। जो नेचुरल पर्ल्स हैं उनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ओइस्टर्स की ब्रीडिंग भी यहाँ पर की जाती है। जैपनीज जो है वो सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर के अंदर ही फिशिंग नहीं करते, बल्कि ये बहुत दूर के इलाकों में जाकर भी फिशिंग करते हैं, जैसे कि आर्कटिक, अंटार्कटिक और अटलांटिक में। जापान की जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही एडवांस है, और इसे दुनिया की ग्रेटेस्ट फिशिंग नेशन भी कहा जाता है। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।